अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है। अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इस लिहाज से कि इसमें हम एनिमेशन बहुत स्ट्रॉन्गली कर सकते हैं। इसमें हम एनिमेशन के काफ़ी इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, वीडियो पे, इमेजेस पे, ऑब्जेक्ट्स पे, और जो है आप अपने ग्राफिक्स पे, हर तरह की चीज़ों पे आप जो है एनिमेशन दे सकते हैं। अब जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है बेसिकली ये जो है ये दो चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक आपकी चीज़ है मोशन ग्राफिक्स और दूसरी आपकी चीज़ है कंपोजिटिंग। ठीक है, इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है आप इस क्लास में सिर्फ ये दो चीज़ों को याद रखिए कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो दो चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक होता है मोशन ग्राफिक्स और दूसरा होता है कंपोजिटिंग। मोशन ग्राफिक्स क्या होता है? मोशन ग्राफिक्स वो होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ टेक्स्ट, मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं वो एनिमेट होके मूवमेंट कर रही होती हैं, यानी कोई आ रही है इमेज, कोई जा रही है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई छोटा होके बड़ा हो रहा है, कोई स्पार्कलिंग कर रहा है, कोई ग्लोइंग दे रहा है, इस तरह की जो एनिमेशन होती है वो आपकी मोशन ग्राफिक्स कहलाती है। और कंपोजिटिंग क्या होती है? कंपोजिटिंग वो होती है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है, यानी कि अगर आपने देखा कि आप जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, आपकी ऐसी वीडियो शूट की जा रही है जिसमें आप हवा में उड़ के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप लगा रहे हैं, तो वो आप ओरिजिनल नहीं हो रहे, उसमें आपकी कंपोजिटिंग हो रही है, यानी कि उसमें आपकी बिल्डिंग्स हैं, उसमें आपकी जो है स्काई है, उसमें आपका जो है टॉप बॉटम है, ये तमाम चीज़ों को मिला के और उसकी वो आपकी कंपोजिटिंग करके एक एनिमेशन बनाई जा रही है जो कि आपकी ऐसा लगता है कि जैसे आप हवा में उड़े, आपके साथ एक शेर खड़ा हुआ है, आप उस शेर को प्यार कर रहे हैं और या आप उस शेर के सर पे हाथ फेर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपका शेर आपके साथ नहीं है, वो आपकी दो इमेजेस हैं और पीछे फॉरेस्ट का बैकग्राउंड है और या और जिसमें आपको ये चार पांच पिक्चर्स को मिला के आपकी वीडियो शूट की जा रही है और वो चीज़ कंपोजिटिंग कहलाती है। तो ये तो हो गई हमारी कंपोजिटिंग की बात और मोशन ग्राफिक्स की बात। आफ्टर इफेक्ट्स जो है बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हम वीडियोस वगैरह पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करें तो हम इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते स्ट्रॉन्गली। छोटी मोटी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को आप वो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो एडोबी प्रीमियर है और आप जो है एडोबी प्रीमियर में ये काम कर सकते हैं। ये जो है ये चीज़ आपके एडोबी प्रीमियर के लिए यूज़ होती है, आप इस पर ये काम कर सकते हैं और जो है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन हैं उस पर आप ये काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप उस पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग पे काम करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें जो हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम कोर्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स में इंटरफेस कैसा है, जो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टूल्स क्या हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी हम सबका इंट्रोडक्शन ज़रूर लेंगे यहाँ पर इस क्लास में। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लोरिंग करना है आपको, आफ्टर इफेक्ट्स के पैनल्स वगैरह हम देखेंगे, यानी एक्सप्लोर करेंगे इसको, इंटरफेस की कस्टमाइजेशन देखेंगे, इसके अलावा वर्क स्पेस देखेंगे और हम अपने ब्लॉग को डिस्क्राइब करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे पूरा, यहाँ पर हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम चीज़ों पे काम करने से पहले हम जो है चलते हैं अपने ब्लॉग पे और हम देखते हैं कि ब्लॉग पे हमारे पास किस तरह की चीज़ें हैं और क्या है, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा वो भी देखेंगे। तो ये हमारा आफ्टर इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स को ए ई से वो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ए ई जहाँ पर आपको नजर आए उसका मतलब है आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है आपको इस तरह से नज़र आता है। इसके बाद जो है अगर हम यहाँ देखें अबाउट आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो एक पावरफुल
एनिमेशन टूल है जो कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है वीडियोस, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेटेड टाइटल्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें वीडियो की कंपाइलिंग भी की जाती है और टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए कई तरह के एनिमेशन इन मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग को यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ देखें कि व्हाट एडिटिंग ऐप इज एई आफ्टर इफेक्ट्स के लिए कौन सी है, तो अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स इज अ डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स जिसमें मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग एप्लीकेशन यूज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको उसके बारे में भी बताया है। इसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों की, और इस तरह से ये एडोबी सिस्टम को एक तरह से लेकर और ये तमाम चीज़ों को बनाता है। फिल्म मेकिंग वगैरह के लिए, टीवी के लिए ये है तो, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, मैंने आपको बताया। एडोबी प्रीमियर और फिल्मोरा जो है वो आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आगे जो आपको जब एडोबी प्रीमियर कराऊंगी तो मैं उसमें फिल्मोरा के भी आपको जो है चीज़ें बताऊंगी, ताकि आपके दोनों सॉफ्टवेयर पे आपको काम आ जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पर आप जो है कंपोजिटिंग और मोशन ग्राफिक्स के अलावा आप जो है एनिमेशन जो है वो इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं। अब हमारा तीसरा जो है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। अभी हमने देख लिया क्या अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स, एडिटिंग ऐप देख ली इसकी, अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट का यूज़ क्या है। अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल फॉर मोशन ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स एंड कंपोजिटिंग। आर्टिस्ट एंड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोफेशनल्स रिलाय ऑन आफ्टर इफेक्ट्स टू जनरेट विजुअली स्टनिंग वर्क फॉर फिल्म, टीवी, वीडियो एंड वेब। इस पर काम तो करते हैं, लेकिन इसमें इतना स्ट्रॉन्ग काम मैंने आपको बताया नहीं हो सकता, लेकिन मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग पे हम स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हैं, जिन दोनों को मिला के हम स्ट्रॉन्ग एनिमेशन बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स। जो आपको असाइनमेंट्स बताने हैं बेसिकली वही आपके यहाँ पर फोल्डर्स बनेंगे। फोल्डर्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप किस तरह के फोल्डर्स बनाएंगे देख लीजिए। सबसे पहला इंटरफेस का फोल्डर बनेगा आपका, दूसरा जो है आपका AI प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बनेगा, तीसरा आपका जो है लोगो एनिमेशन का फोल्डर बनेगा, बैनर एनिमेशन का फोल्डर बनेगा, कॉन्सेप्चुअल आपका असाइनमेंट्स फोल्डर बनेगा और प्रैक्टिस असाइनमेंट फोल्डर बनेगा। ये तमाम फोल्डर्स आपके बनेंगे। जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है वो आप तमाम प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपके इस फोल्डर के अंदर डालेंगे, ये आपको ब्लैंक मिलेगा यहाँ। और कुछ फोल्डर्स होंगे, कुछ आपके असाइनमेंट्स होंगे जो आपको मिलेंगे, लेकिन आपके बेसिकली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हो या कंसेप्चुअल हो, इसमें आप अपने कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट डालेंगे जो कि मैं बताऊंगी आपको, और इसमें आप अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट्स डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों आपको जो आप बनाते जाएंगे वो इस फोल्डर में डालेंगे, बाकी जो आपको ये प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो प्रोजेक्ट वन का जो मिलेगा वो प्रोजेक्ट वन पे डालेंगे, टू का जो मिलेगा टू में, इस तरह से ऑनवर्ड जितने भी आपको मिलते जाएंगे वो आप डालते जाएंगे। इंटरफेस जो है वो आप इंटरफेस की चीज़ें इंटरफेस में डालेंगे, अभी हम इंटरफेस देखते हैं। यूज़फुल लिंक में आपको अभी लिंक देंगे जो कि हम अभी देखेंगे वीडियो ट्यूटोरियल में, आपके अभी ये वीडियो ट्यूटोरियल, लेकिन ये आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी क्लास होती जाएगी, मैं इसमें वीडियो ट्यूटोरियल कुछ और भी डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके वीडियो ट्यूटोरियल होंगे, अभी हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के लोकल और ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपको करने होंगे। जो लोकल सर्टिफिकेशन हैं वो मैंने यहीं ओपन किए हैं, इसमें ये प्रूफ के सर्टिफिकेशन है जो कि सर्टिफिकेट के साथ होंगे, जैसे कि पहला ये इसके 20 सवाल हैं, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आप जैसे कि सारे देते हुए आए वर्ड से आप देते हुए आ रहे हैं, बस आपने यहाँ क्लिक करना होगा और ये खुल जाएगा और फिर स्टार्ट करके आपने जो है, लेकिन जब जब आप 80% आफ्टर इफेक्ट्स कर चुकेंगे उसके बाद ये काम आपने करना है, ठीक है। तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा और आगे देना होगा। प्रूफ्स के आपने जो है तकरीबन कितने 5 IQ टेस्ट हैं, ये आपने देने होंगे, इसके सर्टिफिकेट्स आपने लेने होंगे। फिर आपके ग्लोबल सर्टिफिकेशन में माइंड लेस्टर के सर्टिफिकेशंस हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें लेसन एक लेसन जो है वो 39 का है जिसके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एक जिसका जो है आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक्स है इसके आपके 39 लेसन हैं, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा आपका कंप्लीट बिगनर्स गाइड है जिसके अंदर 49 लेसन है, इसके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा आपका गेटिंग स्टार्ट विद एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स CC है, इसका आपको लेसन 4 है 7 है, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा आपका आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन है, इसका आपके 5 लेसन है, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा।
और एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड टेक्निक्स का आपके 5 लेसन है, इसका आपको मिलेगा। तो टोटल 5 सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपकी ये प्लेलिस्ट है, ये अभी ये प्लेलिस्ट इसकी नहीं है, इसकी प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ। जैसे जैसे ये आपकी आएगी, इसमें सारी आपकी वीडियोस तकरीबन 30 लेसन्स हैं हमारे पास, 30 वीडियो ट्यूटोरियल आपको यहाँ मिलेंगे, जिसके अंदर एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपने देख लिया, अभी हम आते हैं यूज़फुल लिंक पे। लेकिन इससे पहले हम जो है कुछ चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ। जब आप यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स खोलेंगे तो आपके सामने एक कंपोजिशन विंडो आएगी। कंपोजिशन सेटिंग के लिए आपके पास प्रीसेट में HDTV का होना ज़रूरी है। आप जो है यहाँ पर HDTV वीडियो बनाएंगे, जिसकी जो है रेजोल्यूशन 1080x2997, ये आपकी जो है ये HDTV का प्रीसेट है। लेकिन विद जो है वो 1920x1080 रखते हैं आप HD वीडियो बनाने के लिए, HD आपकी यहाँ पर फाइल बनेगी। यहाँ पर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स होगा आपका। अभी ये खोल के हम देखेंगे हमारे जब आप प्रिपेट खोलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। रेशियो जो है आपका 16:9:1.78 है। फ्रेम रेट 29.97 है। फ्रेम रेट हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए। ड्रॉप फ्रेम है, यहाँ पर रेजोल्यूशन इसकी फुल है, यहाँ पर हम हाफ रखेंगे। स्टार्ट टाइम जो है ये ज़ीरो जो है वो देखिए, ज़ीरो जो है वो क्या होता है, आवर्स मिनट्स सेकेंड्स और फ्रेम्स। पहला आवर्स, दूसरा मिनट्स, दूसरा तीसरा सेकेंड्स और फ्रेम्स, इसको लेते हुए हम यहाँ काम करेंगे। यहाँ पर सॉरी, ये तो स्टार्ट टाइम है, इसमें भी इस तरह, और यहाँ पर ये ड्यूरेशन जो है वो इसी तरह से होता है, आवर्स मिनट्स सेकेंड्स और फ्रेम्स। ये आपके आवर्स, ये मिनट्स, ये सेकेंड्स, ये फ्रेम्स। बैकग्राउंड कलर जो आपने अपनी कंपोजिशन का रखना है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद हम आ जाएंगे जब इंटरफेस पे, तो इंटरफेस पे ही आपके प्रोजेक्ट विंडो एरिया होता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट और ये टाइमलाइन कंट्रोल सीक्वेंस होता है, कंपोजिशन एरिया होता है, ये ऑडियो टाइम कंट्रोल है, ये इफेक्ट्स प्रीसेट्स है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीज़ आपकी आती है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो ये देखिए टूल बार है पूरा, ये टूल्स है, ये कैरेक्टर पैराग्राफ आपका आता है, ये इफेक्ट्स आते हैं आपके, जो मुख्तलिफ आप मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं। ये प्रोजेक्ट पैनल है जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी जो है टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, ये आपके फ्रेम्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो है ये आपकी यानी कि यहाँ पर फ्रेम्स आपके सेट होते हैं। यहाँ पर जो है ये इफेक्ट्स विंडो है, यहाँ पर ये कंपोजिशन विंडो है, ये या आपके की फ्रेम्स हैं जिन पर हम काम करते हैं। यहाँ पर यह आपके की फ्रेम्स हैं, जैसे कि दिखाया मैंने, ये चेन लिंक होता है आपका, ये स्टॉप वॉच है आपकी, और ये आपका जो है की फ्रेम नेविगेटर कहलाता है आपका, और ये आपकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन ये प्रोजेक्ट विंडो है आपकी। ये प्ले हेड होता है, प्ले हेड को जितना आप रखें, जितना कम करें, उतना ये प्ले हेड आपका आता जाता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद जो है आपका ये तमाम चीज़ें, ये आपका टूल बार है, टूल बार में ये तमाम चीज़ें, ये हम सारी चीज़ें करेंगे और ये हम तमाम चीज़ें देखेंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में आप ये तमाम चीज़ें इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका जो है ये वो फ्रेम एरिया है, जहाँ पर आप जितना वो रखेंगे हेडर, जितना रखेंगे उतना ही वो होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली। इतनी चीज़ स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें आपने इतनी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं कि यहाँ पर आपने इंटरफेस का भी थोड़ा सा वो देख लिया है। और वो अब अगर हम यहाँ पर जो है आफ्टर इफेक्ट खोलते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। CC17 वर्जन है ये, और इसमें जो है मेरे पास एक विंडो एक्स्ट्रा आती है, आपके पास एक्स्ट्रा विंडो नहीं आएगी। थोड़ा सा ये हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका ये जो है आपका नॉर्मल आपके PCs पे चलेगा, जो आपके ग्राफिक्स के PCs हैं, जिन पे आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, उन पे ये आफ्टर इफेक्ट्स आराम से आपका यूज़ होगा। यहाँ पर ये रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ पर ये खुलेगा, यहाँ पर ये खुलने के बाद आपकी ये विंडो आ जाएगी। ये विंडो नहीं आएगी आपकी, बेसिकली जो है इस तरह की विंडो आएगी। आप न्यू करेंगे, न्यू करके आप इसको तो मैं क्लोज़ करेंगे, ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी अभी कंपोजिशन नहीं है हमारी, ये सिंपल एक इंटरफेस आ रहा है आपका। ये प्रोजेक्ट विंडो है आपकी, ये पूरी प्रोजेक्ट विंडो है, यह आपका टाइम फ्रेम है, यह आपकी लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं, यह आपका कंपोजिशन एरिया है।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये प्री सेट है, ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आप जैसे ही कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी कंपोजिशन सेटिंग आ जाएगी जो कि मैंने आपको बताई थी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में अपनी कंपोजिशन को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। और यहाँ से भी फाइल में न्यू करके आप यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट ही आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरह से ये न्यू प्रोजेक्ट में ये नया प्रोजेक्ट आपका खुलेगा, और नया प्रोजेक्ट खुलने के बाद इस तरह से यहाँ पर आप जो है अपना ये प्रोजेक्ट आपका खुल गया। उसके बाद आप जो है कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन करेंगे तो जो कंट्रोल एन मैंने किया था ये आएगा। इस तरह से ये स्टूडेंट आपने देखा हमारी इस क्लास में जो है हमने इन चीज़ों को कवर किया, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, ये इसमें यहाँ पर ये तमाम चीज़ों का मैंने अभी पैनल्स वगैरह इतने डिटेल में नहीं बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पूरे डिटेल में अभी देखेंगे। हमने अभी ब्लॉग को आपने देखा है, ब्लॉग में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये यूज़फुल लिंक है आपके, यूज़फुल लिंक पे जब आप करेंगे तो यहाँ पर ये अभी मेरा ऑफलाइन हो गया है, इसको मैं अभी ऑनलाइन जो है इसको करती हूँ। स्टूडेंट जब हम क्लिक कर रहे थे तो हमारा कुछ नेटवर्क का इशू था, तो इस वजह से ये यूज़फुल लिंक नहीं हुआ। हम जो है यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने जो है जब आप क्लिक करेंगे अपने ब्लॉग पे यूज़फुल लिंक पे तो आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। अब आफ्टर इफेक्ट्स, ए ही आफ्टर इफेक्ट्स है, यूज़फुल लिंक्स कौन से हैं, ऑनलाइन ऑडियो और MP3 कटर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कटर ऑनलाइन है इसका लिंक दिया है, ट्रिम करना हो वीडियो को इसका लिंक दिया है, इसके अलावा एक्सट्रैक्ट करना हो वीडियो को इसका लिंक दिया है, ऑडियो के लिए दिए हुए हैं ये, ऑडियो ऑनलाइन और वीडियो डाउनलोडर है ये जो है आपका AP वर्ड सॉफ्ट, ये जो है आपका ऑनलाइन वीडियो वाटरमार्क रिमूवर है, इससे आप वाटरमार्क हटा सकते हैं, फ्री साउंड लिंक्स है आप फ्री साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्रेस करना हो वीडियो को उसके लिए है ये आपका, आपका रिमूव बैकग्राउंड करने हो दो दिए हुए हैं यहाँ पर, दोनों अच्छे हैं इसके। इसके अलावा आपके पास यूज़फुल फॉन्ट्स अगर आपको कोई इंस्टॉल करना हो, आपको यूज़फुल साउंड इंस्टॉल करना हो, आपको इमेजेस वो करना हो, ये सारे जो हैं ये क्या हैं ये आपको यहाँ पर ड्राइव पे ले जाते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर फॉन्ट्स करेंगे तो फॉन्ट्स के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये यहाँ से आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे अपने पास करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर साउंड अगर करने हो तो साउंड भी यहाँ दिए हुए मैंने आपको, जो अपने मेरे थे रिकॉर्ड में वो मैंने साउंड फॉन्ट्स सब आपके लिए कर दिए, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे साउंड है। इसके अलावा जो है आपका इमेजेस आपको अगर करनी हो तो इमेजेस भी हैं, ग्रीन वीडियो आपको जब कराई जाएगी तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो 30 कीबोर्ड शॉर्टकट से हैं, ये आपकी आफ्टर इफेक्ट्स ही हैं, यहाँ पर ये कीबोर्ड शॉर्टकट आप ले सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिए हुए हैं अच्छी शॉर्टकट से, हम जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे उनकी शॉर्टकट्स दी हुई हैं, देखिए सब कुछ बताया हुआ है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पर जो है आपके पास इसके अलावा हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर, ये ज़रूर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें क्या है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद इसमें जो है आपकी वीडियो को आप कंप्रेस कर सकते हैं, और इसमें आपको ऑनलाइन जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई वाटरमार्क आता है, और ये आपका रहता है, और इसमें बहुत अच्छे जितनी GB ज़्यादा होंगी उतने ही ये ज़्यादा कंप्रेस करके देगा आपको। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी 30% पे इसको करना होता है, और यहाँ पर इसका वीडियो ट्यूटोरियल है इंस्टॉल करने का, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो .NET फ्रेमवर्क आप इंस्टॉल करेंगे तभी आपका सॉफ्टवेयर चलेगा वरना नहीं चलेगा। इसमें पूरा तरीका बताया गया है, 2 मिनट की ये वीडियो है, इसको देखकर एक एक चीज़ समझ के फिर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ये सही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, आपकी वीडियो कंप्रेस नहीं होगी। ये इफेक्ट्स प्रीसेट्स हैं, जैसे जैसे आप करेंगे वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल्स कुछ दिए हुए हैं, जब आपको ये कराए जाएंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्यूटोरियल देखकर और इसकी ये चीज़ें बनाएंगे और करेंगे। एक तो ये करेंगे, दूसरी इसमें कंसेप्चुअल आप भी अपनी जो है एनिमेशन बनाएंगे, और तीसरी आपकी प्रैक्टिस एनिमेशन होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें शामिल होंगी। यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखिए, ये बहुत अच्छी है, न्यू कंपोजिशन की है, कंपोजिशन सेटिंग है, ये सारी दी हुई है, ये आपकी बहुत अच्छी यूज़फुल जो हैं वो हैं, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ पर आप जो है इन चीज़ों को ले सकते हैं। ये आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो कीज़ हैं, जिनको आप अपने काम में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपकी। तो आपने ये देख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपकी ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर आपके पास जो सिलेबस है वो पूरा उस पर मौजूद है आपके, किस पे मौजूद है, ये आपके ब्लॉग पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर इस पे जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ कि जो है वो आपका जो है जो मैं बता रही हूँ आपको वो चीज़, इसकी आफ्टर इफेक्ट्स की जो एक्सटेंशन है वो आपके प्रोजेक्ट की डॉट AEP होती है। ए ई तो आफ्टर इफेक्ट की एक्सटेंशन है, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पी उसके साथ लग जाएगा, ए फॉर आफ्टर, ई फॉर इफेक्ट और पी फॉर प्रोजेक्ट, वरना AE आपकी जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स की एक्सटेंशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो AEP आएगा, तो इसके साथ इसका मतलब है कि AEP का मतलब है आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट। तो AE जो है वो आपकी आफ्टर इफेक्ट्स की एक्सटेंशन है। तो ब्लॉग पे आ जाते हैं, ब्लॉग पे हमने यूज़फुल लिंक्स देख लिए हैं, वो सब तमाम चीज़ें आपको आ गई समझ में कि किस तरह से करना है। फोल्डर्स बनाने भी आपको आ गए कि फोल्डर्स किस तरह से आपको बनाने हैं। हमने आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस भी खोल के देख लिया। अब डिटेल में आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हर चीज़, इसकी कंपोजिशन की, फ्रेम्स की, टाइमलाइन की, लेयर्स की, प्रोजेक्ट विंडो की, ये मैं आपको बताऊंगी। अब आपने एक्सटेंशन भी देख ली कि AE इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट AE, लेकिन प्रोजेक्ट पे जब हम करते हैं तो डॉट AEP आ जाता है, तो आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट। आपने वीडियो हाइट प्रीसेट की भी देख ली, 1920x1080 HD वीडियो के लिए यूज़ होता है ये, और इसमें हम आगे चीज़ें देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारी तमाम चीज़ें इस क्लास में जो है कवर हो गई हैं, और आपने देख लिया कि हमने जो टॉपिक किए थे कि आफ्टर इफेक्ट्स का एक्सप्लोर किया, टूल्स देखे हमने, आपके आफ्टर इफेक्ट्स पैनल्स देखे हमने, पैनल्स में अभी आपने हमने सिर्फ कैरेक्टर पैनल, आप इफेक्ट्स पैनल्स को देखा था, आगे हम और पैनल्स देखेंगे। कस्टमाइजिंग इंटरफेस आपने देखा जो हमने कंट्रोल एन से खोला था, और क्रिएट हम अभी यहाँ नहीं करेंगे, क्रिएट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ब्लॉग का ओवरव्यू हमने पूरा देख लिया। तो आपको ये होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आफ्टर इफेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, मोशन ग्राफिक्स और इसका भी आपको पता चल गया होगा। बेसिकली जो आपकी मोशन ग्राफिक्स है और वो जो है वो इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें जो है मैं आपको अगर दिखा दूँ यहाँ पर ये वीडियो, ये जो है आपकी मोशन ग्राफिक्स के लिए है, इस पर ही मैं आपको बता देती हूँ इसी क्लास में, ताकि जो है हमें आगे क्लास में प्रॉब्लम ना हो। और जो है कंपोजिटिंग जो है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, एक नज़र बता के देती हूँ, बता तो मैं चुकी हूँ, यानी आप एक नज़र इसको देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इसको देखने से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी मोशन ग्राफिक्स है। अब मोशन ग्राफिक्स जब आप देखते हैं तो ये देखिए, ये देखिए, ये मोशन ग्राफिक्स है आपकी, ये देखिए, ये इंट्रो है, ये देखिए, ये एनिमेशन हो रही है, एनिमेशन जा रही है इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये आपकी मोशन ग्राफिक्स है सारी, ये ठीक है, इस तरह से ये मोशन ग्राफिक्स आपकी होती है। ये तो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया मोशन ग्राफिक्स क्या होती है। अब आ जाते हैं आपकी कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग में ही देख लें आप। अब क्या ये चीज़ें रियल हैं? रियल नहीं है, ये एक से ज़्यादा चीज़ों को बना के मिला के बनाई गई हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक मिनट रुके, यहाँ पर ऐड आ गया है, मैं इसको ज़रा हटा दूँ तो फिर आपको दिखाऊँ ये किस तरह से होती है। ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका जनाब, ये देखिए, यहाँ पर ये आप, ये देखिए आप जो है आगे चलते हैं, हम ये बता रहे हैं इसी बारे में कि ये क्या है। ये देखिए आपके आगे चल के, ये देखिए, ये सब बता रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें मिलकर जो है वो कंपोजिटिंग कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये,
यहाँ पर ये इस तरह से ये देखिए, ये आपकी क्या ये सचमुच है? नहीं, ये कंपोजिटिंग है सारी। ये देखिए आप, ये चीज़ें क्या आपकी सचमुच है? इस तरह से होता है? नहीं, ये कंपोजिटिंग है सारी। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब मिक्स करके इस तरह से इसको जो है मास्क बना के ये बनाई जाती है। इसमें जो है ये चीज़, मैं इसकी आवाज़ बंद करती हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आए। ये देखें, ये जो है ये सारी चीज़ें, क्या ये जंप इतनी ऊँची ऊँची लगा रहे हैं? नहीं, ये आपकी सब चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं। ये यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों को कंपोज किया जाता है और कंपोजिटिंग बनाई जाती है कि जंप लगा रहा है। ये देखिए गाड़ी क्या इस तरह से आ रही है? नहीं, ये आपकी सब चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं, मिलाकर ये की जाती हैं। और इस तरह से ये फिल्म एक पूरी कंप्लीट कंपोज करके, कंपोजिटिंग को यूज़ करके ये जो है इसमें यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको इतना होप के समझ में आ गया होगा कि ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं और इस तरह से आप जो है इन चीज़ों को जो है करते हैं। और आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग पे ही मेन काम होता है और इन दोनों को मिला के एक स्ट्रॉन्ग एनिमेशन बनाई जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और इसको आपने दोबारा से इस वीडियो को देखना है, देख के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आफ्टर इफेक्ट्स इंटरफेस को देखना है और ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। अब जो ब्लॉग पे हमारे पास चीज़ें हैं, वो ब्लॉग पे हमारे पास जो है वो तमाम चीज़ें आपकी क्या हैं, ये आप जब यहाँ पर प्रोजेक्ट वन खोलेंगे, जो आपके असाइनमेंट्स हैं, जब आपके जो असाइनमेंट्स हैं यहाँ पर, जब आप प्रोजेक्ट वन खोलेंगे, ये मैं बताना आपको भूल गई तो मैं इस क्लास में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट वन खोलेंगे, वहाँ से तो देर लगेगी इंटरनेट से, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस में आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये एनिमेशन प्रोजेक्ट्स हैं क्या। बेसिकली जब प्रोजेक्ट्स वन आप खोलेंगे, ये देखिए छोटी छोटी एनिमेशन है, जब आपको ये क्लास ली जाएगी तो ये इस तरह की एनिमेशन आपको बनानी होगी, ठीक है। इसमें आप आगे चल के साउंड्स भी लगाएंगे, वो भी करेंगे, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं आपके छोटे छोटे, आप जो है इस तरह से चेंजेस करेंगे, ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ये आप इस तरह से जो है ये चीज़ें करेंगे। तो ये आपकी छोटी छोटी एनिमेशन, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको इसमें दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका, ये इस तरह से ये एक छोटी, ये तमाम चीज़ें एनिमेट किस तरह से फोटो उसमें होंगी वो आपको सिखाई जाएंगी। फिर आप आफ्टर में करके इसकी गिफ्ट भी बनाएंगे, इसकी जो है वीडियो भी बनाएंगे और फिर इसको कंप्रेस भी करेंगे। आप अपने पास जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको अभी बताया है वो भी आप यूज़ करके उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप चीज़ें जो हैं वो करेंगे और बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके और ये आप साथ साथ इसके करते रहेंगे और ये प्रोजेक्ट्स पे आपको काम लाजमी ही करना है। इस तरह से ये बैनर्स हैं, ये तो प्रोजेक्ट्स हो गए। साउंड बैनर अगर आप देखें तो ये साउंड बैनर हैं आपके, ये साउंड बैनर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये बगैर साउंड के हैं, कुछ साउंड में हैं, कुछ बगैर साउंड के हैं, इस तरह से आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये बैनर्स हैं जिन पे आपको काम करना है, इस तरह से ये चीज़ें हैं आपकी। तो आप इस तरह से जो है ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, ये बैनर्स वगैरह हैं, ये वेब बैनर हैं, कुछ वेब बैनर पे आपको काम करना होगा, जैसे आप पावर पॉइंट में करते थे। पावर पॉइंट में इतनी स्ट्रॉन्ग एनिमेशन आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग एनिमेशन अपनी बना सकते हैं जो कि मोशन ग्राफिक्स आपकी कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको करना होंगी। इसके अलावा जो है आपका कॉन्सेप्चुअल में आपने अपने कॉन्सेप्चुअल, कुछ कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आपने खुद बनाने होंगे जो कि मैं आपको उसके साथ साथ देती जाऊँगी। इस तरह से ये आपको करने होंगे। जो प्रैक्टिस हैं आपके, वो प्रैक्टिस में आप डालेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस असाइनमेंट डालेंगे, जैसे ये कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट है और ये इस तरह से प्रैक्टिस असाइनमेंट कुछ आप करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे ये हो गया, ये इस तरह से, और जो आप बनाएंगे वो आप अपने डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है लोगो एनिमेशन में आपने मुख्तलिफ लोगो आपको दी जाएंगे, उसमें ये करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास ये सिलेबस हो गया। सिलेबस में और भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जैसे जैसे आप करते जाएंगे। यहाँ पर ये आपकी कुछ स्लाइड्स शो हैं, जब आप स्लाइड शोज़ पे आएंगे तो ये इस तरह से स्लाइड शोज़ बनाना सीखेंगे और स्लाइड शोज़ बनाएंगे। ये आपकी ये इस तरह से, इसमें ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल को देख के आप स्लाइड शोज़ बनाएंगे।
तो स्टूडेंट, अब आपने देख लिया कि हमारा ये जो है क्लास वन का पूरी चीज़ें ओवरव्यू कंप्लीट हो गया है, और ब्लॉक्स भी हमने देख लिया, हमने इंटरफेस भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, डिटेल में नहीं देखा है, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में भी समझ लिया कि क्या होता है, मोशन ग्राफिक क्या होती है और कंपोजिटिंग क्या होती है, एनिमेशन क्या होती है, तमाम चीज़ें आपने देख ली। होप कि इतनी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोबारा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू।